दोस्तों, 63 बरस के चाओ यून फैट हांगकांग के बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं। पिछले 40 साल से इस पेशे में हैं। खूब सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं इन्होंने। इनकी फिल्म क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन 2001 ऑस्कर में 10 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। इसने 4 ऑस्कर अवार्ड भी जीते थे। इतना पैसा, इतना नाम और इतना टैलेंट होने पर भी चाओ एकदम सिंपल जिंदगी जीने के लिए मशहूर हैं। इनका एक महीने का कुल खर्च करीब 7,000 रुपया है। अक्सर पब्लिक बस, ट्रेन से सफर करते हैं। डिस्काउंट वाली दुकान को देखकर शॉपिंग करते हैं। सेल में चीजें खरीदते हैं। नोकिया का जो शुरुआती फोन आता था वही इस्तेमाल करते थे। नोकिया फोन करीब 17 साल तक इस्तेमाल होने के बाद फोन ने काम करना बंद कर दिया। तब जाकर इस इंसान ने एक स्मार्टफोन खरीदा। चीन की मीडिया का कहना है कि चाओ अपनी पूरी जायदाद दान करने की सोच रहे हैं। क्या कहा चाओ ने? 4 अक्टूबर को चाओ की एक फिल्म रिलीज हुई है, प्रोजेक्ट ग्यूटेनबर्ग। उसी के प्रमोशन के दौरान चाओ ने बताया कि वो अपना सब कुछ दान करने की सोच रहे हैं। उनका मानना है कि ये मेरा पैसा थोड़े न है, मैं तो बस कुछ वक्त के लिए इसका मालिक हूँ। मैं खुश रहना चाहता हूँ, आम लोगों की तरह जीना चाहता हूँ। दौलत कमाना और बहुत सारा पैसा हासिल करना सबसे मुश्किल काम नहीं है, सबसे अहम है दिमाग की शांति। अपनी पूरी जिंदगी सादगी और बेपरवाही से जीना सबसे मुश्किल काम है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि लक्ष्मी चंचल होती है, आज इसके हाथ में कल उसके हाथ में। चाओ ने जो कहा उसका यही मतलब था। दोस्तों, चाओ अकेले नहीं हैं, उनकी पत्नी जैस्मिन तान भी उनके ही जैसी हैं। दोनों खूब दान करते हैं, लोगों की मदद के लिए संस्था भी है। उनके कोई बच्चे नहीं है। चाओ और उनकी पत्नी जैस्मिन चाओ पहले भी अपनी सादगी और बेहद सिंपल लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते रहे हैं। दोस्तों, आप जरूर बताना कि चाओ की लाइफ आपको कैसी लगी। तो ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।